क्या आपको भी अपने कीचड़नुमा गली से फॉर्च्यूनर छपाक से निकालते हुए निकालना है? क्या आप भी टूटी साइकिल से चलते हैं लेकिन सोचते हैं कि हवाई जहाज पे उड़ लें? घर का स्थिति देखे तो हमको बहुत खत्म लगा अपने अंदर से कि हम इतना दिन वहाँ रहकर कुछ नहीं कर पाए। माँ रोती थी, घर में चावल नहीं, आटा नहीं, कुछ नहीं था, तो हमको शर्म लगा अपने आप। आप लखपति बनने चले थे और घर से 50,000 चला गया। हाँ गया, चला गया। प्लस 6 महीना टाइम, प्लस में मारपीट, प्लस में टॉर्चर, ये सब रिवार्ड है। ये बच्चा जो है ना, एक तो 18 साल से कम है, तो सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर पे लगेगा, उसके बाद ठग पे लगेगा, उसके बाद 307 पर लगेगा। 15,000 दे के बचा के लाए हैं? हाँ। कैसे कैसे पैसा लाए हैं आप लोग? अरे एक से जबरदस्ती वहाँ साइन करा दिया कि पैसा ये इतना दे के जाएगा, साइन करो ना तो चोरी में इल्जाम लगा दे। उसे मुझसे नहीं बताया, सीधा बोला कि आओ यहाँ पे, तुमको रहने खाने के लिए सब कुछ देंगे। और लंबा लंबा सपना नहीं दिखाया था कि लाखों कमाएंगे, 5-star होटल में सूतेंगे, ये सब दिया था ना? तुम वहाँ पे आओ, तुमको लाइफ जो तुम्हारा है, तुम अभी जो जिस हालात में जी रहे हो, बदल जाएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के टाइप्स हैं, हॉट मार्केटिंग, कूल मार्केटिंग। हॉट मार्केटिंग है कि अपने फैमिली वाले को कैसे काटना है, अपना कटवा रहे हैं, तुम्हारा भी कटवाएंगे सर। फिर लड़की लोग को बोला जाता है कि तुम प्यार के चक्कर में किसी को फंसाओ, चाहे वो कोई रहे, भाई रहे, बाप रहे, सबको ले आओ। क्या आप गरीब हैं? क्या आपको भी लगता है कि टाटा अंबानी अडानी इतना पैसा कैसे कमाता है? क्या आपको भी अपने कीचड़नुमा गली से फॉर्च्यूनर छपाक से निकालते हुए निकालना है? क्या आप भी टूटी साइकिल से चलते हैं लेकिन सोचते हैं कि हवाई जहाज पे उड़ लें? नहीं नहीं, मार्केटिंग कंपनी नहीं शुरू की है, मार्केटिंग नहीं शुरू की है, पत्रकारिता में भी है। आपको बस मार्केटिंग की आज एक हकीकत समझाने आए हैं कि कैसे वहाँ लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के गरीब परिवारों को कैसे काटा जाता है। और उसका एक जीता जागता जो एग्जाम्पल है, मेरा भाई है सामने बैठा है, इनके साथ जो जो बर्ताव हुआ है ना, उसकी मैं व्याख्यान करता हूँ। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और मेरा नाम है सुमित कुमार। देखिए एक कमरा दिखाइए सबसे पहले, तो देखिए कैसे एक छोटे से कमरे में एक गरीब परिवार सरवाइव करता है, और कैसे इन्हीं परिवार के लड़कों को या लड़कियों को बड़े बड़े सपना दिखाकर उनका मजाक बनाया जाता है, उनके साथ भद्दा व्यवहार किया जाता है। देखिए ये लड़का है, नाम क्या हुआ आपका? लकी कुमार। लकी कुमार, देखिए इन लकी नाम है इनका, और लक इनका कितना साथ है ये तो समय बताएगा, अभी आगे स्टोरी है। हमारे सामने देखिए इनके नानी के घर हैं, इनके नानी के परिवार हैं, और मार्केटिंग कंपनी में जहाँ फंसे थे वहाँ से लोग बचा के लाए हैं। एप्टा फाउंडेशन से शशिधर सर हैं यहाँ पे, और उनके टीम से हैं संदीप कुमार, संदीप सर हैं। तो इन सब से बात करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये मजाक वाली बात नहीं है, पूरी बात समझिए। ऐसे ही फ्रॉड के चक्कर में आप सोशल मीडिया पे घर बैठे बैठे बेरोजगार लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सीख मिलेगी बहुत बड़ी। आपका नाम लक्की है जी सर, कब ज्वाइन किए थे, और सबसे पहले बताइए कि आप क्या करते थे, क्या पढ़ाई की है आपने? सर हम 11 तक पढ़ाई किए हैं, और उसके साथ हम लोग NCC कैडेट भी थे, तो हम RDC कैंप करके जैसे ही घर लौटे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो मेरा एक फ्रेंड कॉल किया जिसका नाम गणेश कुमार था। NCC ट्रेनिंग लिए हैं आप? जी सर, RDC करके जैसे ही घर लौटे थे तो कॉल आया घर पे कि हाँ भाई कहाँ हो, हालचाल पूछे उसे, तो बताया कि भाई मेरा तो लाइफ बिंदास हो गया। बोले कौची कर रहा है भाई, बिंदास हो गया, बताओ हम लोग को भी। हम लोग एक गरीब घर से थे, हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे थे, तो जैसा वो बताया हम अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ, बताया कि भाई मेरा लाइफ सेट हो गया, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत में हम काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, रहने के लिए क्वार्टर है, मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो हम बोले भाई कैसे हुआ, मेरा भी करवाओ। मम्मी लोग भी बोल रही थी, गार्जियन बोल रहे थे कि भाई उसका तुम्हारा दोस्त है, देखो साथ में पढ़ा लिखा, आज कहाँ से कहाँ है, तुम अभी यही कर रहा है, NCCA कर रहा है। तो एक गरीब घर के लोग थे सर, तो हमको पूरा टॉर्चर किया गया घर से कि भाई बताओ तुम्हारा दोस्त, ऐसे होता है आस पड़ोस में होता है कि ये निकल गया, तो प्रेशर बन जाता है कि फलाने का बेटा इसे कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, तो भाई लगता है। तो हम शाम में उसको कॉल किए, बोले भाई कैसे कैसे हुआ गणेश, बताओ प्रोसेस बताओ, हम भी आना चाहते हैं, मेरा भी लाइफ खतरे में, हम पढ़ ले पर कुछ कर नहीं पा रहे, आउट इनकम नहीं हो पा रहा है। तो फिर हमको वहाँ बुलाया गया, 20,000 हमसे डिमांड किया गया, भाई यहाँ पे आओगे तुमको ड्रेस कोड मिलेगा, शैम्पू शैम्पू सब नहीं बताया, सीधा बोला कि आओ यहाँ पे, तुमको रहने खाने के लिए सब कुछ देंगे। और लंबा लंबा सपना नहीं दिखाया था कि लाखों कमाएंगे, 5-star होटल में सूतेंगे, ये सब दिया था ना? तुम वहाँ पे आओ, तुमको लाइफ जो तुम्हारा है, तुम अभी जो जिस हालात में जी रहे हो, बदल जाएगा तुम्हारा लाइफ, सपना तुम लगेगा जो सपना देखते हो रियल होगा तुम्हारे साथ, एक महीने एक साल के अंदर तुम अपना घर तोड़ के बना सकता है, ये होगा वो होगा पूरा। तो हम अट्रैक्ट हो गए, मम्मी बेचारी मेरी पापा सुधी पे पैसा लेके दिए हमको 20,000 रुपया, सोचे कि भाटे दे ये देंगे 20,000 तो क्या हो जाएगा, आज के कोई भी जॉब में 8-9 लाख रुपया डिमांड करता है घूस के लिए, तो हम दे दिए 20,000 आज में पैसा लेके दिए थे ना जी सर, सूद पे दिए थे, 15% हम दिए थे सूद पे, सोचिए आज वो सूद जो 20,000 जो लिए थे 80-90,000 उड़ने वाला है। देखिए नानी जी है ना, ब्याज पे पैसा दिए थे, ब्याज पर पैसा दिए हैं,
क्या लगा था कि लड़का कुछ कर लेगा, कुछ बन जाएगा? हमारा तो यही लगा था, फिर वैसे वैसे बोले लगा था, हम इन लोग बोले कि बेटा तू चल आओ, किस्त तक नहीं आवे देता है, यही सामान उमान सही था वहाँ, बस जान गया कि अभी भाग जाएगा। बताइए, लड़के को इतना पीटा है नानी, अब इस तरह से पीट के कर दिया बर्बाद, एकरा यही नहीं देता था, सब चीज जपत कर लेता। ठीक है, चारे पैसा कमाता लेकिन बढ़िया से कमाता ना, अब देखिए तो मार पीट किया इसे, इतना मारा। तो पढ़ाई छूट गया, पढ़ाई करता इतना दिन, 6 महीना से छूटला ना पढ़ाई, वो करता अब पढ़ता तो कुछ काज नहीं लगवे करता, जो वो भी बर्बाद हुआ, एकदम एकरा माती भर नट कर दिया। कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत करता कमाता ना, आप देखिए इतना पीटा है लड़के को, अच्छा सुन के हमको खराब लग रहा है कि इतना मारा। जाने मार देता, एकदम जान मारे के धमकी दे लेता, वहाँ से बोला लेका कि आज हमारा नहीं बचे देगा। अब 15,000 दे के बचा के लाए हैं? हाँ। कैसे कैसे पैसा लाए आप लोग? अरे एकरा से जबरदस्ती वहाँ साइन करा दिया कि पैसा ये इतना दे के जाएगा, साइन करो ना तो चोरी में इल्जाम लगा देंगे। अच्छा 15,000 तो फिर आप लोग कर्जे लेके व्यवस्था? हाँ कर्जे लेके किए हैं, कहाँ करे खखन में, वो अभी बैठल थे खखन में, कल कितना पानी पड़ रहा है, बनिए में गए 2 बजे पैसा के व्यवस्था करते करते, तो 2 बजे पैसा के व्यवस्था हुआ तो यहाँ से गए सब, गए तो वही नाना जी गए साथ, वो अभी हालते जे तही बेचारा, वही तो पूरा पता उता बताए। क्या कार्रवाई होना चाहिए से बताइए? कार्रवाई होना चाहिए यही कि उस सब के एकदम खत्म कर दीजिए, कंपनियां बंद, जब सबके भविष्य बनवे नहीं कर रहा है तब आई वो सब मजे में, हमने कहा जाने का जरा पूछे है, हाँ मम्मी ठीक से ही, हाँ नानी ठीक से है, कैसे नहीं बेटा, हाँ ठीक है मगन में है, बलताता था, बोले नहीं देता था वहाँ से कि यहाँ के शिकायत ना करो, ऐसे कर करके इसको डरा डरा के काम करवाता था, ये बोलता था, अब आवे लगे एकदम इसको पूरा अच्छी हो गया, देखिए ओकरा चोरी में इल्जाम लगा दिया कि पैसा चुरा लिया है, ये न देंगे तो वो न देंगे, सब चीज जपत कर लेता ओकर अथी सटिक पीटी के कोची कोची सब, हाँ आधार कार्ड टीचा सारा सामान हुआ मंगवा लिया। जब आप सुने कि मारपीट कर रहा है इसको और ये इस तरह से हो रहा है, तब आप क्या बोले और क्या सोचे उस समय? सोचे कि हमारे बच्चा आ जाए कैसे, हाँ पैसा लगे तो लगे, हमारे बच्चा आ जाए साबुत, साबुत बच्चा आ जाए। देखिए यही है कि माँ बाप का सपना होता है कि बेटा ये बन जाए ये बन जाए, और एक समय आ जाए कि बच्चा बस जिंदा आ जाए। 6 महीना से आप काम किए हैं, 6 महीना हो गया जे सपना बेच के गए थे आप, आपकी तक कितना पैसा दिए और कितना कमा लिए, कितना देने के लिए बोला था? स्टार्टिंग में गए थे सर, हमको 35,000 रुपया वहाँ जमा किए, 20,000 हमको बताया गया, फिर बोला नहीं भाई सॉरी गलती हो गया, जो 35,000 यहाँ लगेगा। उसके बाद जब वहाँ 3 महीना काम किए तो बोले सर मेरा सैलरी क्यों नहीं आता है, तो फिर बोला गया कि भाई तुम्हारा अकाउंट गड़बड़ है, बोले ठीक है खुलवा दीजिए सर। फिर अगला महीना आया तो बोलता है भाई तुम्हारा क्या करे, कुछ बोला कि ये क्या बोलता है, केवाईसी नहीं हुआ है, एफडी, अच्छा केवाईसी, केवाईसी नहीं हुआ तो केवाईसी पे टाइम लिया। फिर जब अभी जाकर टाइम हुआ तो मेरा एक दोस्त कॉल किया कि तुम अभी वहीं हो, तो वहाँ से जान भगा के भागे हैं। तो वहाँ फिर हम 15 दिन पहले हमको जानकारी मिला कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे काम होता है, मारा पीटा जाता है बहुत कुछ, हमको पता था क्या क्या होता है ये समझाइए हमको। सबसे जैसे कोई नया लड़का वहाँ पे गया तो उसको बताता है कि भाई यहाँ पे तुम्हारा लाइए होगा, मेडिसिन सेक्टर का काम है, इसमें तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा। कंपनी का नाम बताइए एक बार। डीवीआर, धनमंत्री बायो रिसर्च ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा धनमंत्री बायो रिसर्च, नामों रखने बताइए, डीवीआर धनमंत्री। देखिए ये है, इसका वेबसाइट खुलता है ऐसे और इस तरह से खुलता है जैसे आकर्षक लगे, तो ये है इनकी कंपनी। और डीवीआर से पहले से टीसीआई के नाम से अप्रोच करता है, हेल्थ केयर के नाम से अप्रोच करता है, आयुष मंत्रालय तक को बदनाम किए हुए है। ये सब अप्रोच करता है एकदम गवर्नमेंट, जो हमारे मंत्रालय है ना या विभाग है उसके नाम पे, अब सोचिए वो लोग को भी कहीं ना कहीं बदनाम कर रहा है, इस पे तो सरकार को भी संज्ञान लेके एक्शन लेना चाहिए। समस्तीपुर आप ज्वाइन करने गए थे पटना से, कैसे? जी हमको बोला तुम्हारा इंटरव्यू यहीं पे होगा, जो आगे का जो पटना का बताया था कि यहाँ पे तुम्हारा जो ऑफिस है वहाँ पे मीटिंग चल रहा है, काफी बड़े बड़े लीडर लोग आए हुए हैं, तो तुम उस पे चल के इंटरव्यू, समस्तीपुर तुम आ जाओ, हम तुमको रिसीव करने के लिए सर के 4-व्हीलर से चले आएंगे। वहाँ पे गए हम, मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू जी कैसे होता है वो हमको भी पता है, पर वहाँ 4-5 क्वेश्चन पूछा गया, राम आम खाता इसका ही बताओ, पटना का राजधानी बताओ, गंगा नदी कहाँ है, उल्टा सीधा पूछा गया, हम बता दिए, पास भी हो गए।
अब हमको जैसे ही पास हुए तो बोला अरे भाई तुम तो लकी हो, पास हो गए, चलो होटल यहाँ वहाँ, हमसे खर्चा भी करवाया और उस सबका हमको दिक्कत नहीं था, सोचे भाई मेरा लाइफ बन गया। बहुत दिन वहाँ कष्ट किए, यूपीएससी निकालने पर कॉन्फिडेंस दिया होगा, बहुत कुछ दिया कि भाई तुम पास हो गया, नहीं पास हो पाता तुम, अच्छा अच्छा लड़का यहाँ फेल हो जाता है, बीकॉम बीटेक किया हुआ लड़का फेल हो जाता है। अच्छा। हम भी खुश हो गए भाई, हम भी इतना 11 में पढ़ रहे हैं और पास कैसे हो गए। फिर हमको इससे पहले जब पता चला यहाँ आने के बाद, हमको पूरा पहले घुमाया गया कि अरे भाई क्या बताए, देखो सर को चैन पहनते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ भी, बैंगलोर से आए भाई फ्लाइट से आए, देखो इतना 90,000 रुपये खाली खाए पिए उड़ा दिए, इस बार शादी कर रहे हैं तो 80 को 90 को फॉर्मूले लेके जाएंगे, उसमें क्या आधा में मेरा अपना रहेगा, ऐसे ऐसे बोल बोल के हमको मतलब उत्साहित किया वहाँ पे। उसके बाद जब हमको असियत पता चला, वहाँ से भागने लगे, तो भागने से पहले हम घर पे आए, घर पे आए तो मम्मी हमको बोली बेटा, हम घर का स्थिति देखे तो हमको बहुत खत्म लगा अपने अंदर से कि हम इतना दिन वहाँ रह के कुछ नहीं कर पाए, माँ रोती थी, घर में चावल नहीं, आटा नहीं, कुछ नहीं था, तो हमको शर्म लगा अपने आप में कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ 6 महीना से। तो मम्मी हमको, मम्मी से बोले माम चले हैं वहाँ, हमको रहने का मन नहीं है, माम को आइडिया बताइए। देखिए शशिधर सर हैं एप्टा फाउंडेशन से, जरा बताइए सर। पहले ये देख लीजिए कि इसका फर्स्ट बस घाट हुआ था, और उप मुख्यमंत्री जो हैं जो भाजपा से थे वो इसका उद्घाटन किए थे। अच्छा बताइए, तारकिशोर प्रसाद जी। आप तो इस बच्चा को ले जाके तारकिशोर प्रसाद जी के पास छोड़िए, छोड़ना पड़ेगा कि ये कैसे गए और क्या हुआ, ये आप देख लीजिए पूरा का पूरा, देखे उनका दिया हुआ है, देखिए 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 ये बच्चा। लड़के को न्याय मिलेगा सर आपके आपके जरिए, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग को जो कोशिश कर रहे हैं हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और इस लड़के की बात अब नहीं है, अब और लड़के जो ऐसे मार्केटिंग फ्रॉड के चक्कर में पड़ रहे हैं, ऐसे सपनों के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप मेहनत कीजिए, पैसा इतना आसानी से नहीं होता है, शॉर्टकट मत अपनाइए, और इस शॉर्टकट में जो पैसा दे रहा है ना वो आपसे बहुत गंदगी करा देगा और बहुत बुरा होगा। इसमें सीता साहू भी आई हुई है। अच्छा। मतलब ये कंपनी जो है ना रजिस्टर्ड है गुजरात में, आप कहीं से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आजकल का जो जमाना आ गया ना कि कोई एक कमरा लीजिए गुजरात में रजिस्टर्ड कराइए, इसका मालिक 100% बिहार का है, मालिक का नाम है मनीष कुमार, ठीक है, इन्होंने वेबसाइट पे जो जो फाउंडर को डाला है सारा फाउंडर गलत है। उसके बाद ये जहाँ जहाँ जाता है अपने ऊपर फूल का बारिश कराता है। हाँ, मार्केटिंग वाला इसको करता है। फूल का बारिश कराता है और सामने वाले को दिखाता है कि तुम भी कर सकते थे। तो मेरा यही कहना है कि ये बच्चा जो है ना, एक तो 18 साल से कम है, तो सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर पे लगेगा, उसके बाद ठग पे लगेगा, उसके बाद 307 पर लगेगा। क्या क्या हुआ आपके साथ, मारपीट हुई बहुत बुरी तरह से? जी सर, हम जैसे ही घर से जैसे भी हम घर से लौटे तो हम अपना कपड़ा उधर मतलब पैक कर लिए थे, तो रात में क्या हुआ कि हमको बुलाया गया कि भाई आओ, फ्रेंचाइजी सर आ रहे हैं तुमसे मिलने, 7 लाख 8 लाख का महीना कमाते हैं, मर्सिडीज से आ रहे हैं मिलने के लिए। हम भी खुश हो गए कि इतना गरीब घर का बेटा मेरे से उतना बड़ा आदमी मिलने आ रहे हैं। हाँ, आया था स्विफ्ट डिजायर से मिलने, जो कि हमको दिखाया नहीं था, रूम में हमको बंद कर दिया गया। तो मेरा एक दोस्त बोला तुमको मारेगा, तो भी हम नहीं कुछ बोले कि सब जलन के मारे बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हम बैठ गए, जान से तो नहीं मारेगा, सच कभी छुपता नहीं है। हमको उस रूम में बंद करके 4 लोग मारा, पंखा के रड से मारा जो टंगाता है इतना बड़ा, बेल्ट से मारा है, और पटरा से मारा है, बांस का फट्टा से मारा है, बहुत बेरहमी तरह से मारा गया है। हमसे मारपीट के दौरान हमसे लेटर लिखाया गया कि आप जितना पैसा का डिमांड कीजिएगा उतना हम देंगे, वरना हम पे केस मुकदमा हो जाए। मेरा साइन भी लिया वहाँ पे मारते पीटते हुए टाइम, और उसी टाइम मेरा डॉक्यूमेंट ले लिया, बोला तुमको जहाँ घर वाले 15,000 दे के गए तब छोड़ा है। जी सर, वहाँ पे हम मेरा एक चीज कहना है गोपाल और प्रियांशु को, इतना कड़ा होना चाहिए कि सलाह लोग समझ जाए कि क्या होता है। जो माँ बाप को गाली दे के बोलता है लड़का लोग का ना कि मैया बापा की कर ले, तो ई करा वो करा, पहले उसको समझाना चाहिए। क्या कहता था कि मैया बापा की कर ले? हाँ सर, घर का कमजोरी जान जाता है, बोलता है मैया की कर ले, तो तू कलापते रहो, बाव को कर ले तो फुचका बेचो, मेरे पापा फुचका बेचते थे, तो हमको बोलता था तुम्हारा बाप तो फुचका बेचता है, कौची कर ले, तो कितना कमाओ उतना छीट दो हमें, तो जितना बाप कमाता है उतना हम एक महीना में खान होटल जाकर खर्चा करते हैं। इनके पापा का मजाक बनाया जाता था कि पापा फोकचा बेचते हैं, अरे यही फोचका बेच के NCC करवा दिए, ट्रेनिंग दिलवा दिए, तो अपने गरीबी पे मजाक बनना सुनना बंद कीजिए। आप लोग भी, आप जिस परिवार से भी आते हैं, इज्जत की रोटी खा रहे हैं और
मेहनत से कमा रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। क्या लगता है इस तरह के लड़कों को जो फंसाया जा रहा है युवा को, और ऐसे बहुत चीज सुनते हैं हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी, जानते हैं कई लोगों को इसी तरह से मार्केटिंग में से भाग के आया है और जान बचा के आया वहां से। देखिए, इन लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि नौकरी इतना आसान नहीं है अभी के समय में, कंपटीशन बहुत है, टफ है, बेरोजगारी भी बहुत है, लेकिन ये लोग भी क्या करें, गरीब लोग है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ये लोग उनके चंगुल में आ जाते हैं। आज एक बच्चा निकल के आया वहां से, भाग आया तो हम लोग इसको जान गए, इसके जैसे सैकड़ों बच्चों को वो लोग टारगेट करते हैं। इसका दोस्त इसको फंसाया नहीं, इसका दोस्त वो भी फंसा था पहले से, वो भी मजबूर था बेचारा, ताकि उसको भी बोला जाता था तुम किसी और को जोड़ो तब निकलोगे तुम। अच्छा, जोड़ने वाले से बताते हैं, इसमें फ्रेंड एंड फैमिलीज को शामिल करने के लिए कुछ तो बोलता है, हॉट क्या बोलता है उसको, हॉट मार्केट बोलता है, हॉट मार्केट फ्रेश मार्केट हो जाता है, जो कि जैसे अनजान ट्रेन पे जा रहा है तो उसको बताना, अरे भाई हम ये करते हैं वो करते हैं, ट्रेन पे आता है कुछ बिकने के लिए उसको खिला के दिखाना है कि हम बहुत पैसा वाला है। कूल मार्केट होता है जिससे जो हमको हल्का फल्का जानता है, वो मार्केट होता है जो कि हमको मतलब अपने से, जो मेरा अपना फैमिली है ना उसके आस पड़ोस वाला, ऐसा ऐसा करके मतलब टाइमली से हमको अप्रोच करवाता है। ये सब मल्टी लेवल मार्केटिंग के टाइप्स हैं, हॉट मार्केटिंग, कूल मार्केटिंग। अब देखिए, समझिए कि आप ट्रेन पे जा रहे हैं और किसी गरीब को खिला दिए अपने पैसे से, ये कूल मार्केटिंग है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, देखो भाई ऐसे हम गरीबों के बारे में सोचते हैं। हॉट मार्केटिंग है कि अपने फैमिली वाले को कैसे काटना है, अपना कटवा रहे हैं तुम्हारा भी कटवाएंगे सनम, तो यही वाली हाल है ना। जी जी सर, और बहुत गाली गलौज से मेरे साथ। अच्छा, लड़कियों को भी इसमें शामिल किया जाता है, उनका तो और गंदा इस्तेमाल करता है। लड़की लोग के बारे में क्या बताया सर, दो लड़की जो है मिस्टर तौहीद आलम के रूम पे रहती है, एक माँ अगर कैसे बोले हम यहाँ पे आप लोगों के सामने, मतलब घरेलू जो होता है ना, संकोच मत कीजिए, बहुत सारी लड़कियां बचेंगी इससे। हाँ, वहाँ पे कम से कम 50-60 लड़की काम करती है, उसमें से दो लड़की को मतलब अपना एक रखे वो रखेल बना के रखे हुए है मिस्टर तौहीद आलम, जिसका भाई की अभी डायमंड है मुमताज सर, वो लोग क्या करता है लड़की लोग को डायमंड मतलब, है उनका ही कहता है। हाँ, मतलब अपना लेवल बताया हमको कि हम ये है वो है। रैंक होता है डायमंड और प्लेटिनम, गोल्ड डायमंड प्लेटिनम सब रैंक चलता है। नहीं, हम लोग एल्युमिनियम। वहाँ पे क्या करता है कि हम सब जब जैसे मैसेंजर यूज करते हैं आजकल, व्हाट्सएप यूज, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो अपना दोस्त हमको मतलब कोई लड़की को मतलब अब प्यार वार के चक्कर में फंसा लिया, उसको बताया कि हम ये यहाँ जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका रिचार्ज करवाना, घूमने फिरने का सब खर्चा ऊपर से आता है उसको, वो लड़की को कैसे करके ले आता है। लड़की लोग भी आती है तो वही करती है, किसी के अंडर में रह के डर से करती है कि हम लड़की लोग हैं हम कहाँ जाएंगे, मेरा फ्यूचर बन जाएगा तो सलाह कोई सब नाम लेगा मेरा, तो लड़की लोग भी लड़का लोग को मतलब वही लव के अट्रैक्टर में फंसा के ले आती है, काम करवाती है। यहाँ जब लड़का आता अच्छा, है लड़कियाँ लव के अट्रैक्शन में फंसा कर लड़कों को लाती है। जी जी, लड़कियों का काम ये है, लड़की लोग का काम वहाँ पे वही है, क्योंकि वो फैमिली को जैसे ही बुलाती है कोई मना करते हैं तो फिर लड़की लोग को बोला जाता है कि तुम प्यार के चक्कर में किसी को फंसाओ, चाहे कोई रहे, भाई रहे, बाप रहे, सबको ले आओ, सबको मतलब वो मतलब मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जो जो चैटिंग करते हैं हम उनको ही कहेंगे पहले सोच समझ के कुछ भी काम कीजिए। लड़की लोग को वहाँ पे पूरा गंदा तरीका से रखा जाता है, बहुत गंदा तरीका से, कोई लड़का रहे उसको बोलता है कैसे हो तुम उससे प्यार करो, उसको बुलाओ यहाँ पे, फंसा के रखो, हाँ फंसा के रखो, जब तक वो नेगेटिव ना हो उसके साथ ही में रखता है, घुमाता फिराता है लड़की लोग, लड़का दोनों साथ में घूम रहा है फिर रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जब प्लान क्लियर होता है तो लड़का लड़की को अलग कर दिया जाता है, लड़की अपने रूम पे, लड़का अपने रूम पे, लड़का ला रहा है अपना काम कर रहा है। देख रहे हैं सर, इस तरह से चीज़ें चल रही है नाक के नीचे प्रशासन के, और देखिए आप ही बता रहे हैं कि उसके फाउंडेशन के उद्घाटन में जा रहा है बड़े बड़े नेता सर, सीता साहू को देख लिए, तारकेश्वर बाबू को देख लिए, तब तो इसको तो हम ले जाएंगे ना तारकेश्वर बाबू के पास, सीता साहू के पास ले जाएंगे कि अब DVR को तो ढूंढ के तो उन्हीं को लाना है, और इसके जैसे बहुत सैकड़ों बच्चों को उनको बचाना है। ये तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न BJP से हो गया कि सब प्रोग्राम में आप जाते हैं बिना रिसर्च के जाते हैं, ठग के प्रोग्राम में जा रही है लोग। भाई को आपको इस तरह से पीटा गया, ये किया गया, आप लोग बचा के लाई पैसे दे के, कैसे व्यवस्था किया पैसा, 15,000 कर्ज लिए सर किसी से, कर्ज लिए जी, उसके बाद इसको बचाने के पूरा मम्मी के पास कॉल कर रहा था, रो रहा था कि आज बचा लो नहीं तो आज हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए आज इसको कल हम लोग गए, हम और नाना मेरे मामा, तो जाकर 6 महीना में एक पैसा नहीं दिया, बल्कि आप लखपति बनने चले थे और घर से 50,000 चला गया। हाँ, गया चला गया, उसको प्लस 6 महीना टाइम, प्लस में मारपीट, प्लस में टॉर्चर, ये सब रिवार्ड है। तो आने भी नहीं दिया इसको, और रूम में बंद कर दिया और बोला कि तुम बैग और ये डॉक्यूमेंट्स कैसे लेके जाएगा, वो तो मेरे पास है, छोड़ के जाएगा तो फिर तुम्हारे पे हम ये चोरी का इल्जाम लगा देंगे, FIR कर देंगे, ये सब बोला। तो ये सब है, आप कोशिश है आपकी कि कानून का सहारा लिया जाओ, बच्चा का सहारा ले जाए, उसको न्याय मिले, वहाँ जितने भी हैं सारे बच्चों को पैसा दिया जाए। चलिए ठीक है, हमारी कोशिश यही है कि लोग समझे, अवेयर हों, और आप भी
छोटे छोटे रील्स देख के मजा उठा रहे ना, ऐसे वीडियो को शेयर करिए, अवेयर करिए लोगों को। 17-17 साल के लड़कन बताइए फंस जा रहा है सब लखपति बने के सपना देख के, और अपन घर का और पैसा भी डुबा दे रहा है। बताइए मतलब इस तरह के घर से, इतने छोटे छोटे कमरे में 5-6 लोग रहते हैं, उस घर से परिवार से कर्जा लेके एक लड़का चला जाता है और उस लड़के के साथ ये व्यवहार होता है। तो ये स्थिति है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा, और इस ऐसे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए। इतने सच बिहार, नमस्कार।